रोमन रेंज ने क्यों अटैक किया पॉल हेमन के ऊपर और क्या है उसका पीछे का सच, फिर क्यों अटैक किया रोमन ने पॉल हेमन के ऊपर स्मैकडाउन लाइव में। ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्मैकडाउन लाइव में हमने जैसे कि मैंने बताया कि प्रोमो हमें देखने को मिला, जहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं कि पॉल हेमन ब्रॉक के साइड है, वहाँ पर जो इनके बीच हमें प्रोमो देखने को मिलता है। एंड ऑफ मूवमेंट हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों गले मिलते हैं, वहाँ पर ब्लड लाइन के साथ रोमन रेंज रिंग से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पीछे मुड़कर एक सुपरमैन पंच जड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो पॉल हेमन के सर के नीचे चेयर देके एक और चेयर मंगाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। वैसे बीस्टिंग का एंड ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बजता है। फिर उसके बाद वो फिर जे उसो फिर जिमी उसो को अटैक करते हैं, FI लगा देते हैं दोनों को। फिर रिंग में जाते हैं, रोमन रेंज चेयर से अटैक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ब्रॉक लेसनर उठ खड़े होते हैं और FI लगा देते हैं रोमन रेंज को। फिर उसके बाद दूसरी FI भी देते हैं रोमन रेंज को, और ये स्टेटमेंट था रोमन रेंज के लिए डे वन के लिए, यानी यहाँ पर जो क्या होता है। चलिए क्यों अटैक किया रोमन रेंज के ऊपर, तो इसका रियल रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, रोमन रेंज का पॉल हेमन के ऊपर अटैक करना कभी ना कभी तो होना ही था, कभी ना कभी तो पॉल हेमन को रोमन से अलग होना ही था। एंड यहाँ पर अगर पॉल हेमन अटैक करते थे रोमन रेंज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं रोमन रेंज को हमें कमजोर दिखते, लेकिन यहाँ पर WWE ने रोमन रेंज को पॉल हेमन के ऊपर अटैक करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोमन रेंज का कोई कैरेक्टर वैसा ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अगर पॉल हेमन से अटैक कराने के लिए कहते थे, तो कहीं ना कहीं रोमन रेंज हमें उनकी पावर फिर से खोते हुए नजर आ सकते थे, जो कि कमजोर दिखते थे। बट यहाँ पर ऐसा उल्टा किया है कि रोमन रेंज ने उल्टा पॉल हेमन के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर रोमन रेंज की ताकत वैसे ही दिखेगी, रोमन रेंज वैसे स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। मतलब है ना कि लोगों का माइंडसेट रखने के लिए कि इन्होंने पॉल हेमन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मारा है, तो यहाँ पर जो है एग्जैक्टली पूरा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे रोमन रेंज। और रीज़न ये भी लगता है कि अभी पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर के साथ जाना चाहिए, ऐसा WWE को लगता होगा। अगर WWE चाहती है अगर फिर से पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर के साथ रखना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर ब्लड लाइन के साथ भी पॉल हेमन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के साथ वो काफ़ी लंबे टाइम से है, तो यहाँ पर शायद WWE के प्लान्स होंगे ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन को फिर से एक करने के, तो यहाँ पर WWE चाहती होगी। या फिर देखो, ब्लड लाइन में पॉल हेमन काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड ब्रॉक के भी साथ, लेकिन ये कुछ रीज़न लगता है, मुझे लगता है कि आपको समझ आएगा क्यों रोमन रेंज ने अटैक किया पॉल हेमन के ऊपर। आपको पता चलेगा तो वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भले ही बेल आइकन को आप सुपर किक लगाइए या फिर फ्लैश लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक लेते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर।